आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार गरीबों के हित में सरकारी कॉलोनी देकर गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान सभी को देने का काम कर रही है, लेकिन जनपद मैनपी के ब्लॉक बेवर में आज भी कुछ गांव के प्रधान तथा सेक्रेटरी की लापरवाही के कारण गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इन गरीबों की हालत इस वक्त कच्चे मकान में तथा पन्नी डालकर रहने को मजबूर है। एक ही परिवार के 10-10 लोग बगैर छत के रहने पर मजबूर हो चुके हैं। पूरा मामला ग्राम दौदापुर का है। यहाँ के ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकते तथा किसी की बात भी नहीं सुनते। जब से ग्राम प्रधान हुए हैं, लोगों के दरवाजे पर भी जाना बंद कर दिया गया है और इस बात का भी दुष्प्रचार करते हैं कि क्या करें, सरकार कोई काम ही नहीं करवा रही, मैं क्या करूं। जबकि सरकार ने गरीबों के लिए अपने खजाने पूरी तरह से खोल रखे हैं, लेकिन ग्राम सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अपात्रों को कॉलोनी देने का काम किया जा रहा है, बल्कि पात्र आज भी पन्नी और कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। जब एएसबी न्यूज चैनल की टीम कच्चे मकानों को देखने लगी तो गांव के कई लोगों ने अपने अपने कच्चे मकान दिखाना शुरू कर दिए। भीड़ का तांता लग गया और बस एक ही आवाज थी कि सर मेरा मकान भी देख लीजिए, सर मेरा मकान भी देख लीजिए। बहुत मकान तो नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन लोगों के नाम जरूर लिख दिए गए। जिनके पास कच्चे मकान के अलावा उनके पास खाने पीने तक का संसाधन भी नहीं है। आइए अब हम आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं जिन लोगों की पूरी जिंदगी कच्चे मकान और पन्नी में रहकर गुजर रही है। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। प्यारी कॉलोनी नहीं मिली आपको? नहीं मिली कॉलोनी वालों ने, हमें कुछ नहीं मिली। क्या बात हो गई, क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं क्या बात है, हम लोग कोई देते नहीं, हम लोग बाड़ी कुछ नहीं है मेरे पास, खेती बाड़ी कुछ नहीं है भैया, जो कुछ हाथ हाथ ही पाए हैं, बस जो कुछ है तो हाथ ही पाए हैं। तो प्रधान ने क्या कह दिया आपसे? प्रधान वो सीधे नहीं बात करते, वो किसी की सुनते ही नहीं, कोई समस्या आ गया तो वो सुनते ही नहीं है प्रधान, और का तो क्या कह दी प्रधान ने तुमसे? प्रधान बात ही नहीं करते भैया, प्रधान बात ही नहीं करते। तो क्या कैसे काम करके आप लोग पूर्ति कर रहे हैं, आपने खाने पीने कैसे क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं, मंजूरी आ जाए तो मजूरी करते हैं, खाते हैं, और क्या। कितने लोग इसमें रहते हैं? हम 10 लोग हैं। बरसात में तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बरसात में बहुत समस्या बहुत खराब ही है, देखो पन्नी तंगी द्वारे, और जो कमरा भी भैया फटो देख ले तुम, आधो आधो फटो, एक तो पैसा नहीं हो पाए रहो, या हम गाटर डरवाए दें या कुलेंटर डरवाए दें, इतना पैसा नहीं हो पाए रहो। पूरा मकान कच्चा ही है? ये कच्चा ही है पूरा मकान, इसी में सब गुजर बसर कर रहे हैं। इसी में सब है। क्या नाम है आपका? आशा देवी। किस गांव के निवासी हैं? हाँ बताओ क्या समस्या आती है यहाँ पे? लैट्रिन आदि टूटी उठी, तब से बनवाई करी नहीं गई, 6,000 रुपया तब से आई नहीं। अच्छा, 6,000 रुपए के बाद और कोई पैसा नहीं आया? नहीं आया तब से। अच्छा, और मकान ये कच्चा है आपको? कच्चा है। वो ऐसे ही रहते हो? ऐसे पन्नी डाल दिया ऊपर? पन्नी डाल दे, चोर से नीचे पानी आती। तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि हमारी मदद करो, सरकार पैसा दे रही है? प्रधान जब से एयरपोर्ट पर तब से दोबारा नहीं आई। अच्छा, फिर कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। खेती वेती है क्या? तो कैसे गुजर बसर करते हो? खेती करते।